नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 12 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अब प्रधानमंत्री दौरे की तैयारी, 16 जून को धर्मशाला आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिमाचल के दो दिवसीय प्रवास पर आए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वापस लौट गए हैं, लेकिन राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जुट जाएगी। ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को धर्मशाला में होगी। इस दौरान उनका रात को भी धर्मशाला में रुकने का कार्यक्रम है। इस सारे कार्यक्रम की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 जून से धर्मशाला में डेरा डालेंगे और प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद ही शिमला लौटेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा नीति आयोग को दिया गया है। सबसे शिक्षित जिले हमीरपुर में हिमाचल की शिक्षा पर अंगुली उठा गए केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रदेश के सबसे शिक्षित जिला हमीरपुर में आकर हिमाचल के शिक्षा सिस्टम पर उंगली उठाकर चले गए हैं। एजुकेशन हब हमीरपुर में न केवल उन्होंने प्रदेश की शिक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि आंकड़ों का जाल बुनकर प्रदेश में बारी बारी राज करने वाले कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों को चुनौती भी दे डाली। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में 30 साल राज किया और भाजपा ने 20 साल, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का यहाँ हाल है। 722 स्कूलों में कहीं 5वीं तक तो कहीं 8वीं तक की कक्षाएं एक कमरे में चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई स्कूल है जहां एक शिक्षक 5वीं तक की कक्षाएं पढ़ा रहा है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में तैयार किया हिमाचल विधानसभा चुनाव का रोड मैप, जिला स्तर पर नियुक्त ऑब्जर्वरों के साथ की मंत्रणा। मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी के तहत शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया है। कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सह प्रभारी संजय दत्त, तेजेंद्र पाल, बिट्टू गुरकीरत सिंह कोठली, सभी कार्यकारी अध्यक्ष और हिमाचल कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से प्रदेश में की जा रही रैलियों और अन्य कार्यक्रमों का जवाब देने के लिए रणनीति बनी है। हिमाचल की मंडियों में लगेगी ग्रेडिंग पैकिंग मशीन, ने प्रोजेक्ट पर खर्च होगी 1,90,00,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन के लिए राज्य की 5 मंडियों में ग्रेडिंग पैकिंग मशीन लगाई जाएगी। APMC मंडियों में ये मशीनें लगाने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1,90,00,000 रुपए का बजट मंजूर किया है। ये मशीन शिमला के पराला, रोहडू के भट्टा को मंडी, शिमला के परवाणु, कुल्लू के मनाली में 2 ग्रेडिंग पैकिंग की मशीन लगाई जाएगी। देरा सिरमौर और किन्नौर विवाद के बीच कांग्रेस ने बुलाई अनुशासन समिति की बैठक। देरा सिरमौर और किन्नौर में विवाद के बीच कांग्रेस ने 14 जून को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हाल ही में कांग्रेस पार्टी के भीतर सामने आए विवादों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कुल्लू में बच्चों की पिटाई करने वाला प्रशिक्षु अध्यापक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिला कुल्लू के माध्यमिक विद्यालय समसी में एक प्रशिक्षु अध्यापक की कायराना हरकत सामने आई है। यहाँ पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के 20 बच्चों को उक्त प्रशिक्षु अध्यापक ने बुरी तरह से मारा। वहीं अभिभावकों की शिकायत पर भुंतर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों ने बताया कि प्रशिक्षु अध्यापक की दरिंदगी इस कदर थी कि हाथ पैर चलाने पर भी ये नहीं थका तो डंडे व केबल की तार से इन पर हमला कर दिया। इस हमले से जख्मी बच्चों को बाद में जब स्थानीय तेगु बेहड़ा अस्पताल पहुंचाया गया तो यहां पर सभी 20 बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया, जबकि 2 बच्चों को ज्यादा चोटें आने के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हिमाचल में 15 जून तक मिला जुला रहेगा मौसम, मैदानों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिन मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। मैदानों में जहां गर्म हवाएं चलने के आसार है तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की बौछारें गिर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के मैदानी जिलों में रविवार और सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 15 जून तक प्रदेश के मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की बौछारें गिरने के आसार है। ऊना में बनेंगी बिजली से चलने वाली गाड़ियों के पुर्जे, प्रदेश के 2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कल पुर्जे तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क में प्रदेश में करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 328 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की मंजूरी के लिए
तीन कमेटियों की संस्तुति के बाद राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। प्रस्ताव जमा करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को टेक्निकल सपोर्टिंग यूनिट सहित दो अन्य कमेटियों की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट की DPR भेजने को कहा है। राज्य सरकार ने इन कमेटियों का गठन कर दिया है। बड़े नेताओं को बुलाकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है भाजपा, सोलन में बोली प्रतिभा सिंह। भाजपा अपने कार्यकाल में सिर्फ कांग्रेस द्वारा किए गए कामों पर ही शिलान्यास पटकाएं लगा रही है। वहीं अब जब चुनाव नजदीक है तो अपनी हार को देखते हुए केंद्र से अपने शीर्ष नेतृत्व और मंत्रियों को आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की सरकार व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास अपनी कोई उपलब्धि गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आकर जनता से लुभावने वादे करेगा और अपनी योजनाओं को गिनाएगा। ये बात सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही है। ऊना में कामगारों की मांगों को लेकर विधायक राकेश सिंह ने बुलंद की आवाज, सरकार पर साधा निशाना। जिला ऊना के गगरेट में स्थित ल्यूमिनस उद्योग में कामगार यूनियन और उद्योग प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद में ट्योग के विधायक राकेश सिंह ने कामगारों के हक में आवाज बुलंद की है। 9 से 11 जून तक की गई हड़ताल के अंतिम दिन शनिवार को ट्योग के विधायक व मकपा नेता राकेश सिंह ने कामगारों के हितों की अनदेखी करने का आरोप जड़ते हुए सरकार को भी जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही तो दूसरी तरफ सरकार इस महंगाई में आम जनता का साथ देने के बजाय पूंजीपति वर्ग का साथ देकर कमजोर वर्ग को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के कामगार पिछले 4 वर्षों से प्रबंधन द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि ना तो इनकी आवाज श्रम विभाग सुन रहा और ना ही प्रशासन ने इनकी तरफ कोई ध्यान दिया और ना ही सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राह देने का काम कर रही है। UGC पे स्केल पर शिक्षकों ने टाली हड़ताल, कॉलेजों में छुट्टियों के बाद फिर से होगी स्ट्राइक। राज्य के 138 कॉलेजों सहित SPU पालमपुर और नौनीवी स्थल के करीब 2200 के करीब शिक्षकों ने फिलहाल कॉलेजों में चल रही छुट्टियों के चलते हड़ताल को टाल दिया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी कि 15 दिन से उनकी हड़ताल चल रही, लेकिन सरकार से जो सकारात्मक आश्वासन मिला है उसके चलते हड़ताल को स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी में बयान दिया था कि वे UGC पे स्केल पर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में यदि पे स्केल को लागू करना हो तो उन्हें पंजाब को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन शिक्षकों ने फिलहाल हड़ताल को समय के लिए टालने का फैसला किया है। खबर कर्नाटक हाईकोर्ट से, रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तक बढ़ाना सरकार पर बोझ, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने से ट्रेजरी और अन्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करना सरकार पर बोझ है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस कपूर ने कृषि महाविद्यालय के पूर्व डीन द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार मेरी सेवा 65 वर्षों के बजाय 62 वर्षों तक जारी रखे। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार और विद्यालयों की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वे पुराने खून को सुरक्षित रखे या ताजा खून से भर दे। पशुपालन विभाग में 12 कर्ण मूल्य काश्रितों को मिली नौकरी, चतुर्थ श्रेणी पद पर हुई तैनाती। अन्य विभाग की तरह पशुपालन विभाग में भी अब कर्ण मूल्य काश्रितों को नौकरी मिली है। कर्ण मूल्य काश्रितों की नौकरी को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गया है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 12 कर्ण मूल्य काश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती दी गई है। ये कर्ण मूल्य काश्रित दैनिक वेतन भोगी के आधार पर काम करेंगे। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार झंडोता के नरेश कुमार, भरमौर के अशोक कुमार, भरमौर के नगेश कुमार, उपवी के विनोद कुमार, डोडा कुमार के मोहन सिंह, निचार के वीरेंद्र कुमार, चंबा की रीना देवी, भरमौर के रिंकू राम, धर्मशाला के सुदर्शन कुमार, वल के किरण कुमार और कोठली मंडी से चुनी देवी को पशुपालन विभाग में कर्णमूल के आधार पर नौकरी मिली है। AO 947 के रिजल्ट का रास्ता साफ, रिपोर्ट के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने दी क्लीन चिट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 947 भर्ती पेपर लीक मामले में गठित SIT जांच कमेटी ने प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश सरकार से आयोग को मिली रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आयोग जल्द ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 947 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। इसकी पुष्टि कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने की है। उन्होंने बताया कि SIT जांच कमेटी में भी भर्ती पेपर लीक मामले में 10 अभ्यर्थियों के नाम ही सामने आए हैं, जिनके आयोग ने पहले ही उम्मीदवारी रद्द कर दी है। इसके अलावा कई और पेपर लीक नहीं हुआ था। ऐसे में आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। राइडर पर इसी महीने हो गया आदेश, मुख्यमंत्री ने महासंघ को वित्त विभाग से चर्चा करने के दिए निर्देश।
हायर ग्रेड पे के लिए लागू 2 साल की रेगुलर सर्विस के राइडर पर इसी महीने जयराम सरकार आदेश जारी करेगी। इससे पहले राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक करके मामले को सुलझाने के लिए कहा गया है। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा को दिया है। पंतमान बोले, राहुल गांधी की उम्र 52 से 53 साल, खुद को कहते युवा लीडर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राहुल गांधी की उम्र 52 से 53 साल होगी और आप भी वे खुद को युवाओं का लीडर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता तो 50 साल के बाद भी लोगों को बुजुर्ग कहने लगते हैं। इतना कहते ही सभागार में बैठे लोगों ने खूब ठाके लगाए। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब में हुआ है, पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल से बहुत पुराना नाता है और वे यहाँ हर जगह से वाकिफ है। योग सिखाने के बहाने छात्रों से की अश्लील हरकतें, शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। सुबात क्षेत्र के एक विद्यालय में योग सिखाने के बहाने छात्रों से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्रों ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक शाम को छुट्टी होने के बाद योग सिखाने के लिए रोका करता था और बंद कमरे में अश्लील हरकतें करता था। परिजनों ने बताया कि उन्हें लगा कि विद्यालय प्रबंधन के निर्णय पर शाम 4 बजे के बाद योग कक्षा चलती थी। हैरानी की बात यह कि प्रधानाचार्य को भी स्कूल बंद होने के बाद योग सिखाने के बारे में जानकारी नहीं थी। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश नेगी ने कहा कि मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहे भगवंत मान, मिंजर मेले को बता दिया हमीरपुर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल भगवंत मान शनिवार को हमीरपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे थे। इस दौरान मंच पर आते भगवंत मान ने कहा कि हमीरपुर उनके लिए नया नहीं है। वे 3-4 बार हमीरपुर में होने वाले मिंजर मेले में बतौर कलाकार भाग ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मिंजर मेला हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित होता है। इस पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने खूब ठाके मारे। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया गया था। फेसबुक पर कई लोगों ने भगवंत मान को ट्रोल करते हुए कहा कि हमीरपुर में मिंजर मेला कब से होने लगा। असल में चंबा के चौगान में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला होता है।